हेलो प्यारे होमो सैपियंस, कैसे हो आप सभी। तो अपने बायोलॉजी प्लेलिस्ट के हिसाब से कोशिका वाला चैप्टर चल रहा था, जिसके अंदर हमने जो एनिमल सेल है वो अपने कर चुके थे। अब बारी है प्लांट सेल की, यानी कि प्लांट सेल का जो डायग्राम है आपके सामने, इसके बारे में अपने इसके जो भाग है इसका अध्ययन करेंगे, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके अलावा कुछ विशेष कोशिकांग पाए जाते हैं पादप कोशिका में, उनका भी अपने अध्ययन करेंगे। तो चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं अपने। तो इस पूरे डायग्राम के अंदर आपको सबसे पहले ये जो ग्रीन लेयर दिखाई दे रही है, जो हरे रंग की आपको चारों तरफ से इसको घेरे हुए संरचना दिखाई दे रही है, इसे कहा जाता है कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं इसको? कोशिका भित्ति, यानी कि एक प्रकार से ये सेल वॉल होती है जो इसको आकार प्रदान करेगी और साथ में मैकेनिकल सपोर्ट यानी कि यांत्रिक सहारा भी प्रदान करती है। उसके अलावा ये इसका भाग दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं केंद्रक, और ये होती है केंद्रक झिल्ली। डबल लेयर होती है, आपको पहले भी बता चुके हैं। उसके बाद इसके चारों ओर से घेरने वाली संरचना, इसे कहते हैं अपने अंतःपरद्रव्य जालिका, अंतःपरद्रव्य जालिका यानी कि ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें पाई जाती है। और अगर देखा जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है, आपको बताया था, एक जिस पर राइबोसोम पाए जाते हैं, एक जिस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते। तो ये जिस पर राइबोसोम पाए जाते हैं इसको बोलते हैं RER। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं RER, यानी कि खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका। और जिन पे ये राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते वो होते हैं SER, यानी कि सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद आपको ये पीले रंग की संरचना दिखाई दे रही होगी, ये एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, वैसे अनेक रूप में ये पाई जाती है, सब तरफ पाई जाती है। इसको कहा जाता है सूत्रकणिका, बायोप्लास्ट, पावर हाउस ऑफ सेल यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद में आपको ये पीले रंग की सबसे बड़ी आकार की संरचना दिखाई दे रही होगी, इसको कहा जाता है रसधानी, या फिर रिक्तिका। जैसा कि आपको बताया था, 80 से 90 जो % भाग होता है पादप कोशिका के अंदर, ये भाग घेरता है, यानी कि सबसे बड़ा कोशिकांग माना जाता है पादप कोशिका के अंदर रसधानी यानी कि रिक्तिका, जिसमें भोजन का संग्रहण होता है और एक प्रकार से निर्जीव पदार्थ भी इसमें इकट्ठा रहता है। उसके बाद देखते हैं बच्चों ये वाला भाग, इसको बोलते हैं लाइसोसोम, लेनकाय लाइसोसोम, जिसको बोलते हैं सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली, इसका अध्ययन भी अपने कर चुके हैं। उसके बाद ये वाला भाग जिसको बोलते हैं गोल्जी बॉडी यानी कि गोल्जी काय, ठीक है, यानी कि पिंक जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये है गोल्जी उपकरण, गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी। उसके बाद आपको ये वाला भाग भी पता होगा क्योंकि इसमें अपने अध्ययन कर चुके हैं, और इसे बोलते हैं केंद्रिका। क्या बोलते हैं इसको? केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोल्स, सेल वॉल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रसधानी रिक्तिका यानी कि वैक्यूल्स, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद देखा जाए तो अपने ये पीले आकार के बिंदुनुमा संरचना दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं परऑक्सीसोम, परऑक्सीसोम, ये भी इस प्लांट सेल और एनिमल सेल में चारों तरफ फैले रहते हैं, जिनका निर्माण होता है ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है इनका निर्माण, जिसको बोलते हैं परऑक्सीसोम। उसके बाद आपको
येलो ग्रीन स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, ये वाली संरचनाएं जो इसके प्रत्येक भाग में फैली रहती है। और सबसे ख़ास बात ये होती है कि ये प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। इसको बोलते हैं हरित लवक, यानी कि क्लोरोप्लास्ट। इसको हरित लवक या फिर इसको क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है। तो इसमें से कुछ ऐसे कोशिकांग हैं जो एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर समान रूप से पाए जाते हैं, जैसे अपने केंद्रक दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। कोशिका भित्ति पाई जाती है प्लांट सेल के अंदर, जबकि एनिमल सेल में होती है मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाए जाते हैं, रसधानियाँ भी दोनों में पाई जाती है, रिक्तिकाएँ भी दोनों में पाई जाती है। बस फर्क ये है उसमें छोटे छोटे आकार की होगी, जबकि इसमें बड़े आकार की पाई जाती है। उसके बाद लाइसोसोम भी दोनों में पाए जाते हैं, गोल्जी काय भी दोनों में ही पाए जाते हैं, और कोशिका द्रव्य भी दोनों में ही प्रेजेंट होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म। जिसका अध्ययन अपने पहले कर चुके हैं वही कार्य इसमें, जो एनिमल सेल और प्लांट सेल है उनके कार्य भी क्या है, एक जैसे ही है। इसके बाद अपने अध्ययन करेंगे इसके कुछ विशेष कोशिकांगों का जो केवल प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। तो ये आप लोग इसका जो लेबल डायग्राम है ये आप डिनोट कर सकते हैं, या फिर सबसे बेटर है कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके कोशिकांगों के बारे में अध्ययन करते हैं, पादप कोशिका के शुरुआत करते हैं अपने कोशिका भित्ति से। कोशिका भित्ति क्या होती है, ये केवल प्लांट सेल में पाई जाती है, यानी कि पादप कोशिका में ही पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। उसमें होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद प्लांट सेल में किससे बनी होती है, सेलुलोज से, यानी जो कपास के रेशे होते हैं वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है सेलुलोज का, और हेमिसेलुलोज से, पैक्टिन से, लिग्निन से और सुबिरिन से। यानी कि ये ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनसे मिलके किसका निर्माण होता है, पादप कोशिका का निर्माण होता है। जैसे सुबिरिन ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो जल के लिए अपारगम्य होता है, यानी कि जल इसके आर पार नहीं जा सकता। धीरे धीरे ये बिल्कुल कठोर हो जाता है क्योंकि इसमें मृत कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल की बात करें तो जो ये कोरक कोशिकाएं होती है, कोरक भित्ति जो होती है ना, कोरक सेल जो बनती है, कोरक भित्ति बनती है, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है सुबेरिन का। यानी कोरक जो कोशिकाएं होती है वो एक प्रकार से मृत कोशिकाएं होती है। जिस प्रकार से मृत कोशिकाओं की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट हुक, वैसे ही कोशिका भित्ति की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम भी है रॉबर्ट हुक। इन्होंने इन मृत कोशिकाओं को देखा था और कोरक सेल्स नाम दिया गया था। और उसके बाद में कोशिका भित्ति जो थी उसकी खोज भी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। उसके बाद अपने देखते हैं कि पादप कोशिकाओं में तीन स्तर पाए जाते हैं, यानी कोशिका भित्ति के तीन स्तर पाए जाते हैं, जिसको ए स्तर या फिर आवरण भी कहा जाता है, लेयर भी कहा जाता है। कौन कौन सी होती है वो देखिए, मध्य पटलिका, प्राथमिक भित्ति, द्वितीयक भित्ति। मध्य पटलिका में जो कोशिका भित्ति का सबसे बाहर वाला आवरण होता है, यानी कि सबसे बाहर वाला जो आवरण होगा वो किसका बना होता है, वो बना होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से। यानी कि ये खनिजी भवन यानी खनिजीकरण क्रिया के द्वारा कैल्शियम और मैग्नीशियम का जमाव इस पर हो जाता है और निर्माण होता है सबसे बाहरी आवरण का, सबसे बाहरी परत का, जिसको बोलते हैं मध्य पटलिका। ये दो कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती है, यानी सीमेंट के बीच में इसका कार्य होता है। मतलब कोई भी दो कोशिकाएं होती है ये जब आपस में जुड़ती है तो उसके बीच में जोड़ने वाला जो पदार्थ होता है वो एक सीमेंट की तरह काम करता है। और वो विशेष काम किस में होता है, मध्य पटलिका में होता है। किस में होता है बच्चों, मध्य पटलिका के अंदर। उसके बाद फल पकने पर मध्य पटलिका घुल जाते हैं, यानी कि जैसे ही किसी फल को फल परिपक्व अवस्था में आ जाएगा तो ये मध्य पटलिका घुलित अवस्था में आ जाएगी, यानी कि घुलने लग जाएगी। उसके बाद अपने बात करें प्राथमिक भित्ति की,
तो मध्य पटलिका के नीचे वाली, यानी मध्य पटलिका के नीचे जो भित्ति पाई जाती है, नीचे वाली भित्ति को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राथमिक भित्ति बोलते हैं, ठीक है। और ये बनी होती है सेलोस से, हेमिसेलोस से, पैक्टिन से निर्मित होती है, जिसको बोलते हैं प्राथमिक भित्ति। याद रखना है कि मध्य पटलिका सबसे बाहरी आवरण होता है, यानी ये नहीं है कि बीच में अगर मध्य पटलिका नाम आया है तो ये बीच में पाई जाएगी। सबसे बाहर वाला आवरण क्या कहलाता है, मध्य पटलिका कहलाता है। उसके बाद में प्राथमिक भित्ति, फिर उसके बाद में द्वितीयक भित्ति। प्राथमिक भित्ति के नीचे वाला आवरण क्या कहलाता है, द्वितीयक भित्ति कहलाता है, यानी कि सेकेंडरी वॉल कहलाती है। जो द्वितीयक एस्तर होता है वो कहलाता है। ये बना होता है सेलोस से, हेमिसेलोस से, लिग्निन से और सुबिरिन से। ये इन रासायनिक पदार्थों से इनका निर्माण होता है। लगातार ये रासायनिक पदार्थ जमते जाते हैं और इस जमाव के कारण ये भित्ति कठोर हो जाती है, जो जल जैसे अणुओं के लिए ये अपारगम्य हो जाती है, यानी कुछ अवस्था में अर्धपारगम्य होती है लेकिन लगभग ये अपारगम्य होती है। कारण ये कि पादप अपना जो जल होता है वो संग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, बड़ी बड़ी रसधानियाँ पाई जाती है जिससे वो आसानी से जल संग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपने ये रासायनिक पदार्थ हो चुके हैं और कुछ ऐसे और भी एक कोष के जीव पाए जाते हैं जिनमें ये रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे अपने बात करें शैवाल की, शैवाल के अंदर अगर बात करें तो शैवाल में मैसिन, सिलिका ऑक्साइड, यानी कि इसमें खनिज पदार्थ भी कोशिका भित्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सिलिका ऑक्साइड। फिर अगर बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। ये लगातार इन खनिज पदार्थों का जमाव होता जाता है और शैवाल जैसे एक कोश के जीवों के ऊपर भी कोशिका भित्ति बन जाती है। उसके बाद अपने बात करें कवक, जैसे कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन से, किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। और अगर बात करें अपने बैक्टीरिया की, यानी कि जीवाणु की कोशिका भित्ति, तो ये बनी होती है पेप्टिडो ग्लाइकोल से, पेप्टिडो ग्लाइकोल से। ये एक प्रकार की शर्करा होती है जिसके अंदर पाए जाते हैं अमीनो अम्ल और साथ में शर्करा, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड युक्त शर्करा होती है ये, जिसमें अमीनो अम्ल और शर्करा पेप्टिडो ग्लाइकोल जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उनका निर्माण किया जाता है और ये बनाती है जीवाणु कोशिका की भित्ति, यानी कि बैक्टीरिया की भित्ति ये निर्मित होती है। तो ये अपने क्वेश्चन याद रखने हैं, जैसे शैवाल के अंदर कौन कौन से रासायनिक पदार्थ होते हैं जो इनकी कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं, तो ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। फिर अगर बात करें कवक के अंदर कौन कौन से होते हैं, काइटिन। उसके बाद में बात करें जीवाणु के अंदर पेप्टिडो ग्लाइकोल। ये ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो इनकी कोशिका भित्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर संयुक्त रूप से पूछे कि प्लांट सेल किसकी बनी होती है, तो हम यहाँ पे इन सभी का नाम लिख सकते हैं जो यहाँ पे पूरे पूरे नाम दे रखे हैं, ठीक है, मिला के। क्योंकि प्लांट सेल में जो कोशिका भित्ति है, ये कोशिका भित्ति के तीन स्तर होते हैं। इन्हीं तीन स्तरों में जो ये रासायनिक पदार्थ होते हैं, ये मिल के ही निर्माण करते हैं किसका, प्लांट सेल का। तो बच्चों ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। उसके अलावा भी कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो पादपों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को रोकने के काम आते हैं, उनका अपने विस्तार से आगे अध्ययन करेंगे। फिलहाल आप लोग एक नोट डाउन कर सकते हैं। अगले टॉपिक के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे जिसका नाम है प्लास्टिड, यानी कि लवक। आइए देखते हैं इसके बारे में। इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक थे हैकल एंड क्लाउडे। हैकल क्लाउडे ने इसकी खोज की थी पादप कोशिकाओं के अंदर। इसका नाम, नामकरण करने वाले वैज्ञानिक का नाम है सिंपर। सिंपर ने
इनको कहा था लवक, यानी कि जो रंग प्रदान करने वाले वर्णक होते हैं इनको कहा था लवक यानी कि प्लास्टिड। और पादप कोशिकाओं और युगलिना, यानी युगलिना एक कोश के जीव होता है जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक जिसके अंदर पाए जाते हैं इनमें ये उपस्थित होते हैं। और सबसे बड़ा झिल्ली रहित कोशिकांग ये माना जाता है लवक, ठीक है। और उसके बाद वर्ताकार डीएनए इसमें पाया जाता है, यानी कि वर्ताकार डबल स्टैंडर्ड डीएनए इसमें पाया जाता है जो प्रतिकृति करने की क्षमता रखता है। प्रतिकृति यानी कि एक हूबहू उसके जैसी नकल करना, यानी कि एक प्रकार से फोटोकॉपी निकालते ना एक जैसी, वैसे ही डीएनए से एक और वैसा का वैसा डीएनए बनाना यानी कि उसकी प्रतिकृति करना। इसलिए ये भी एक प्रकार का अर्ध स्वायत्त कोशिकांग होता है। उससे पहले हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया भी अपने आप में अर्ध स्वायत्त कोशिकांग होता है जो स्वयं प्रोटीन बना सकता है। इसलिए इसके अंदर भी 70 एस प्रकार के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं, जो अपना प्रोटीन संश्लेषण कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लास्टिड कितने प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का होता है। इसमें वर्णक जो होते हैं ना 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोसाइट, ट्रोमोप्लास्ट, उसके अलावा हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। तो अपने यहाँ पे ल्यूकोसाइट को बोलते हैं एवर्णी लवक, या फिर इसको बोलते हैं रंगहीन वर्णक, यानी इनका कोई विशेष रंग नहीं होता। जिन पौधों के भागों में सूरज का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है उनमें ये पाए जाते हैं, क्योंकि वर्णक उत्पन्न करने के लिए एक प्रकार से सूरज का प्रकाश का होना ज़रूरी होता है, लेकिन इनके कुछ भागों में ये नहीं पाए जाते। जैसे ये 3 प्रकार के होते हैं, मंड लवक, वसा लवक और प्रोटीन लवक, ठीक है। मंड लवक का एक और नाम होता है एरिथ्रोप्लास्ट, क्या बोलते हैं इसको, एरिथ्रोप्लास्ट बोलते हैं। वसा लवक को बोलते हैं इलियोप्लास्ट। और प्रोटीन लवक को कहा जाता है प्रोटियोप्लास्ट, यानी कि लास्ट में प्लास्ट नाम आता है और प्लास्ट का मतलब होता है लवक, प्लास्ट से नाम लिया गया है। मंड लवक, एरिथ्रोप्लास्ट, वसा लवक, इलियोप्लास्ट, प्रोटीन लवक, प्रोटियोप्लास्ट। मंड लवक में जो मंड होता है वो हरित लवक में बदल जाता है। और इस लवक की सबसे खास पहचान ये होती है कि ये सूर्य के प्रकाश में कार्य करता है, सूर्य के प्रकाश में कार्य करेगा और स्टार्च यानी कि मंड को हरित लवक में चेंज कर देगा। उसके बाद में वसा और प्रोटीन का जो संग्रहण होता है वो इन लवकों के दौरान होता है, और पौधे के किस भाग में, बीजों में वसा और प्रोटीन का संग्रहण होता है ताकि बीजों का आगे जाके अंकुरण हो सके। उसके बाद में क्रोमोप्लास्ट जो रंगीन वर्णक होते हैं, एक रंगहीन जिसमें कोई कलर कोई वर्णक नहीं पाया जाता, एक ये रंगीन वर्णक जिसमें रंग पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे पादप कोशिकाओं में ये भोजन संग्रहण करने का कार्य करेंगे, अगर कार्य पूछा जाए तो ये इसका विशेष कार्य होता है। पादप कोशिकाओं में भोजन का संग्रहण करने का कार्य किसके द्वारा होता है, क्रोमोप्लास्ट के द्वारा होता है। और माध्यम क्या होता है, फ्लोएम, जो चालनी नलिकाएं होती है फ्लोएम, वो भोजन के संग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जबकि जाइलम जो होता है वो जल के संग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि प्रवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ठीक है। फल व फूलों में ये उपस्थित होते हैं जिसके कारण इनका रंग अलग अलग होता है। ये 4 प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे फियोप्लास्ट का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है भूरे रंग के जो सवाल होते हैं उनमें जो भूरा रंग होता है वो किस कारण होता है, फ्यूकोजेंथिन वर्णक के कारण। ये इनके वर्णक होते हैं, फ्यूकोजेंथिन वर्णक के कारण भूरे सवाल का रंग भूरा पाया जाता है। रोडोप्लास्ट, लाल सवाल इसके सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, ये जैसे लाल सागर
और कुछ लाल झिल्ले होती है जिनका प्रमुख लाल रंग किस कारण होता है? इन लाल शैवाल के कारण होता है। और वर्णक इसमें होते हैं फाइकोसाइनिन। क्या होते हैं? फाइकोसाइनिन। ठीक है, अगला नीले हरे क्रोमेटोफोर, यानी इसका टाइप है किसका है? क्रोमोप्लास्ट का। नीले हरे शैवाल साइनोबैक्टीरिया, आपको पहले ही बताया था कि साइनोबैक्टीरिया का जो नीला हरा रंग होता है शैवाल का, वो होता है फाइकोसाइनिन वर्णक के कारण। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर इन वर्णकों के बारे में पूछ लेते हैं। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं कि जो भूरा शैवाल होता है उसका जो भूरा रंग होता है उसमें मुख्य वर्णक कौन सा पाया जाता है? तो उन्हीं चार ऑप्शनों में ये ऑप्शन भी था, फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, तो ये आपको वर्णक याद रखने हैं। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, जो बैंगनी सल्फर जीवाणु इसके एग्जाम्पल है, और चुकंदर की जड़ें और बैंगनी रंग, चुकंदर की जड़ों का जो बैंगनी रंग होता है और बैंगनी सल्फर जीवाणु होते हैं उनका बैंगनी रंग किस वर्णक के कारण होता है? एंथ्रोसाइनिन वर्णक के कारण, यानी उनमें एंथ्रोसाइनिन वर्णक पाया जाता है जिसके कारण बैंगनी जो जीवाणु होते हैं, सल्फर जीवाणु होते हैं, उनका रंग बैंगनी होता है। उसके अलावा चुकंदर है, उनकी जड़ों का रंग भी कैसा होता है? बैंगनी होता है। और जैसे अपने प्याज देखते हैं, प्याज में भी कई बार हल्का बैंगनी रंग भी पाया जाता है, उसका मुख्य कारण भी क्या होता है? एंथ्रोसाइनिन वर्णक होता है। ठीक है, उसके अलावा अपने और बात करें तो जैसे गाजर आपने देखी होगी, गाजर लाल रंग की होती है, तो गाजर में जो लाल रंग होता है वो होता है बीटा कैरोटीनॉइड से, बीटा कैरोटीनॉइड्स इसमें वर्णक पाया जाता है जिसके कारण गाजर यानी कि कैरोट्स इसका रंग लाल होता है। किस कारण? बीटा कैरोटीनॉइड्स। ठीक है बच्चों, उसके बाद अपने और बात करें कि लाल मिर्च या फिर टमाटर, इनमें भी वर्णक पाए जाते हैं, इनका रंग भी कैसा होता है? लाल होता है। तो इसमें पाया जाता है लाइकोपीन नामक वर्णक। क्या पाया जाता है? लाइकोपीन नामक वर्णक इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ और एग्जांपल भी है, जैसे अपने बात करें गाय भैंस का जो दूध होता है उसमें हल्का पीलापन भी पाया जाता है, उसमें पाया जाता है अल्फा कैरोटीनॉइड्स, और जबकि बीटा कैरोटीनॉइड्स जिसमें पाया जाएगा तो उसमें गाजर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो ये आज का टॉपिक है बच्चों, ये सारे के सारे वर्णक आपको याद रखने हैं। खासकर इसके जो वर्णकों के जो नाम है वो आपको याद होने चाहिए, जैसे ये नाम ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, ये नाम आपको बढ़िया तरीके से याद करने हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम, इन सब में ये सबसे महत्वपूर्ण वर्णक होते हैं। उसके अलावा बच गया अपना क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक, वो अपने अगला जो पार्ट होगा उसके अपने अध्ययन करेंगे उसके अंदर, तो आप लोग ये नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन बारी है उन दो क्वेश्चन की जो आपसे पूछे गए थे लास्ट वाली क्लास के अंदर। सबसे पहला प्रश्न ये था कि प्रोटीन की फैक्ट्री किस कोशिकाओं को कहा जाता है, तो उसका सही जवाब है राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर सम्मिलित होने वाले tRNA, rRNA और mRNA इसमें पाए जाते हैं, जो एमिनो एसिड यानी कि अमीनो अम्ल के साथ मिलकर इसमें बंध बनाते हैं, और दो सब यूनिट यानी कि उप इकाइयाँ होती है जो इसके अंदर जुड़ी होती है, वो आपको बताई गई थी 70S और 80S की दो छोटी छोटी उप इकाइयाँ होती है जो इसमें आपस में जुड़ी रहती है। तो इसका सही जवाब था बच्चों राइबोसोम। अगला प्रश्न अपने पूछा जाए तो अगला प्रश्न पूछा गया था वो ये था कि केंद्रिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था, तो इसका सही जवाब है फोनटाना। फोनटाना ने सबसे पहले केंद्रिका के बारे में पता लगाया था, और समुद्र के अंदर सरप मेन यानी कि इल मछली पाई जाती है, उसके नेत्र के अंदर उसने ये पता लगाया था कि एक विशेष प्रकार की संरचना दिखाई दे रही है, और वो संरचना थी केंद्रिका। किसकी थी? केंद्रिका की थी। इस प्रकार केंद्रिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था फोनटाना। ओके बच्चों, तो ये आपके दो प्रश्न हो गए, आगे वाले दो प्रश्न भी आपको ज़रूर मिलेंगे, तो तब तक आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अध्ययन करते रहें, मिलेंगे अगले भाग में।
जल्दी ही। टेक केयर।